कहेंगे जनाब, अभी हरियाणा में चुनाव होंगे विधानसभा की, क्या रहेगा इस बार, हवा क्या है? देखो जी, हवा तो सच्चाई बात तो यह कांग्रेस की हवा है, ठीक है जी। बीजेपी का थोड़ा सा सिस्टम घमंडी नेचर आम आदमी के लिए बन गया है। शुक्रवार को मैं बैठा था अपने संत की कोर्ट में, वो अपने एक एडवोकेट हैं विशाल जी, उनसे बातचीत वगैरह चली कोई, उन्होंने बताया कि इन्होंने 5 धाराएं ऐसी, मतलब नए कानून जो निकाले हैं उसमें 5 ऐसे धाराएं निकाली हैं कि पुलिस को इतना अधिकार दे दिया कि आम आदमी का गला घोट देंगे। ठीक है, आप उसे मतलब ये परेशान है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों होना, कैसे, वो तो फिर अंग्रेजों से भी ऊपर का ये तो राज हो गया जी। तो हरियाणा में आप मानते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी? बिल्कुल जी, आनी भी चाहिए, और पूरा पूरा माहौल बना भी कांग्रेस का हुआ है। और असंध में काम हुए कुछ? असंध में काम, अब तो देखो ऊपर पार्टी तो थी बीजेपी की, और चलो गोगी भाई साहब हैं, उनका नेचर ठीक है, आदमी से मेल जोल उनका बहुत अच्छा है, फिर भी जो इन्होंने काम करा, बहुत बढ़िया काम कराए हैं, फिर भी अपने एरिए में जितने मैक्सिमम हो सके, मगर सरकारें भी टांगे तो देखो जी खींचती हुई जी। अब जो बहुजन समाज पार्टी रेनेलो आ रही है, वो क्या रहेगा? ना जी, उनका कोई परिवार के अंदर ही अपना डिस्प्यूट इतना चला हुआ है, अभी को है ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा कौन कहाँ क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं आइडिया जी उनके बारे में। ठीक है।